हरदोई में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए पुलिस विभाग की महिला रक्षा टीम स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्राओं को सुरक्षा के टिप्स दे रही है। छेड़खानी के समय किस तरह से बालिकाओं को बचना चाहिए और घरेलू हिंसा से किस तरह से महिलाएं बच सकती हैं, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी को लेकर डीएम पुलकित खरे और एसपी आलोक प्रियदर्शी और उनकी महिला रक्षा टीम ने वेणी माधव विद्यापीठ इंटर कॉलेज स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम में बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के साथ ही लैंगिक अपराध, यौन शोषण, छेड़खानी, घरेलू हिंसा की घटनाओं से बचने के उपाय बताए गए। बच्चों को बिना डरे अवांछनीय हरकतों की जानकारी पालकों और शिक्षकों को देने को कहा गया। ये महिला सुरक्षा अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षाओं से संबंधित हेल्पलाइन और बालिकाओं को छेड़छाड़ की घटनाओं पर बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। सरकार की जो मुहिम है नारी सुरक्षा की, बालिका सुरक्षा की, उसको लेके जुलाई अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आज बेनी माधव में लगभग 4,500 बालिकाओं के बीच में मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, हमारे अन्य साथी अधिकारियों द्वारा बच्चों को संबोधित करा गया। उनको बताया गया किस तरह से वो अपने आप को मजबूत बना सकती हैं, सेल्फ डिफेंस के क्या तरीके होते हैं, साथ ही साथ उनको जो जरूरी नंबर है पुलिस प्रशासन के, उनसे अवगत कराया गया। आज बेनी माधव स्कूल में जहाँ 4,500 बालिकाएँ पढ़ती हैं, उनकी उपस्थिति में आज मेरे और डीएम साहब के द्वारा इस कार्यक्रम में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो बालिका सुरक्षा माह चलाया जा रहा है उसके बारे में बच्चियों को सेल्फ के बारे में बताया गया, उनको उनकी ताकतों के बारे में अवेयर कराया गया। उनको ये बताया गया कि पुलिस और प्रशासन हमेशा उनके सतत तौर पर उनके साथ है। ऐसा है कि बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पूरा जुलाई अभियान चलाया जा रहा है, कवच अभियान के नाम से जो चलाया जा रहा है। इसमें हमारे जनपद के 312 विद्यालयों में ये पूरे 27 दिन का एक प्रोग्राम हम लोगों ने चाकआउट किया है, जिसमें पुलिस विभाग, बाल विकास और महिला सुरक्षा विभाग के द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा हमारे सारे विद्यालयों में जो 312 विद्यालय नोडल एक तरह से हम लोगों ने निश्चित किया है, वहाँ पे बालिकाओं की आत्मसुरक्षा के लिए उनको बहुत से टेक्निक्स बताई जा रही है। बालिका विद्यालय में कवच का कार्यक्रम चल रहा था, ऐसे मेरे संज्ञान में आया, लीपुर साहब ने, मैं फरुखाबाद से लौट रही थी, मुझको पता चला कि यहाँ कवच का कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है। मैंने कहा मैं आयोग होने के नाते, महिला आयोग के होने के नाते, मैं यहाँ इस कार्यक्रम में यहाँ से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, और जो लड़कियाँ नहीं पढ़ रही हैं उनको बता सकते हैं कि हमें शिक्षा लेने जाना चाहिए और उनको भी शिक्षित बनना चाहिए। अगर हम शिक्षित हो रहे हैं तो जरूरी है जो हमारे सहेली हैं, हमारे पड़ोस में रहती, वो भी शिक्षित हों। संवाद 365 के लिए हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट।